हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है, राहुल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्रिपेयर्ड अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड। ये डायग्राम दिया हुआ है, क्या राहुल एक मॉडल बना रहा है, ठीक है, जो कि बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है और दोनों तरफ एक कोनिकल पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, राहुल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्रिपेयर्ड अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर With two cones attached its two end, और दोनों तरफ कोन इसमें जुड़ा हुआ है। The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm। ये दिया हुआ है, जो इसका diameter है ये 3 cm है, तो radius क्या हो जाएगा, 3 का आधा 3/2। Radius of conical part या cylindrical part, conical part और cylindrical part दोनों का ही radius क्या है, diameter 3 है, तो radius हो जाएगा 3/2 cm। और उसके बाद दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 cm एंड इट्स लेंथ इज 12 cm। इस पूरे मॉडल का टोटल लेंथ है यहां से यहां तक 12 cm। इफ ईच कोनिकल पार्ट हैज ए हाइट ऑफ 2 cm, जो इसमें कोनिकल पार्ट है उसका हाइट दिया हुआ है 2 cm, मतलब यहां से लेके यहां तक 2 cm, यहां से यहां तक ये भी हो गया 2 cm, तो 2 + 2 हो गया 4, और टोटल हाइट दिया हुआ था यहां से यहां तक 12, तो 12 में से 2 + 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट का हाइट हो गया 2 cm और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया 8 cm, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द राहुल्स मॉडल। इस मॉडल में हमें वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट करना है, तो इसको लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें दो कोनिकल पार्ट है, तो एक का जो वॉल्यूम आएगा दूसरे का भी वही होगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2। यहाँ पे क्या है, सिलेंडर और कोन दोनों का ही रेडियस सेम है, इसलिए हम यूज करेंगे स्मॉल लेटर आर, दोनों का सिंबल सेम यूज करेंगे, और दोनों का हाइट अलग अलग है, कोन का हाइट 2 है, सिलेंडर का हाइट अलग है, इसलिए हाइट के लिए हम अलग अलग सिंबल यूज करेंगे, एक जगह स्मॉल एच और एक जगह कैपिटल एच, ठीक है, ये इंटू 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद इधर जगह खत्म, इधर लिखते हैं इक्वल टू, पूरे फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बच गया स्मॉल एच प्लस 2/3 कैपिटल एच। ये जो स्मॉल एच आया है ये सिलेंडर का हाइट है, और जो कैपिटल एच है वो कोन का हाइट है, ठीक है। तो 22/7 रेडियस है 3/2 इंटू 3/2, स्मॉल एच हो गया 8 प्लस 2/3 कैपिटल एच जो है इंटू 2, कैपिटल एच जो है वो कोन की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें वैल्यू पुट करते वक्त, 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, और तो 11/7 इंटू 3 इंटू 3 और नीचे में बच गया इंटू 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 8 + 4/3, तो 11 × 3 × 3/7 × 2 ये हो गया 14। एलसीएम लेंगे तो 8 × 3 = 24 और 4 ये हो गया 28/3, तो 14 से तो ये कट जाएगा 2 बार में, 3 से ये 3 कट गया, तो 11 × 3 = 6, तो 11 × 6 = 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर, एक पार्ट, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल एट ₹12.50/cm², मतलब इस पूरे मॉडल को बाहर से हमें पेंट करना है तो उसका कितना कॉस्ट आएगा। तो पेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा, आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल, ठीक है। तो आउटर
सरफेस एरिया ऑफ मॉडल इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टू टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, टू से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दो कोन है तो इस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वही इस कोन का भी कर्व्ड सरफेस होगा, दोनों के कर्व्ड सरफेस को हम ऐड कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2πRh और 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा πRL। तो L हमें नहीं पता तो पहले हम L को कैलकुलेट कर लेंगे कोन का। L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कोन के हाइट को हम कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और सिलेंडर के हाइट को स्मॉल h से, तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो L इक्वल टू अंडर रूट एच है इसका 2 स्क्वायर प्लस रेडियस है 1.5 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। तो ये आ गया अंडर रूट 6.25। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625/100। तो 625 से तो 25 बाहर आ गया और 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5। तो स्लेंट हाइट आ गया, इस कोनिकल पार्ट का जो स्लेंट हाइट होगा वो होगा 2.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया इक्वल टू 2πRh प्लस 2πRL। तो इसमें से क्या हो रहा है, 2πR तो कॉमन आ गया, बच गया h प्लस l। ये जो h आ रहा है ये सिलेंडर का हाइट है, ठीक है। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस है 3/2, ये टोटल रेडियस 3/2 इंटू 3/2, और ये हाइट हो गया 8 प्लस स्लैंट हाइट अभी हमने कैलकुलेट किया है कितना आया था, ये 2.5। तो 2 ये 2 कट गया, 22 इंटू 366/7 इंटू 8 दो 10 10.5 आ गया ये। तो 66/7 10.5 को हम लिख सकते हैं 21/2, 7 से कट गया ये 3 बार में, 2 से कट जाएगा ये 33 बार में। तो 33 इंटू 3 ये हो गया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आउटर सरफेस एरिया ऑफ मॉडल इक्वल टू 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इसको पूरे पेंट करने में कितना खर्चा आएगा एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट दिया हुआ है, रेट इक्वल टू ₹12.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है ₹12.50, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 99 इंटू 12.5। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो इसका क्या तरीका है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नाइन्टी नाइन इंटू 12.5 को लिख सकते हैं हम 100/8। ठीक है, 100 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 12.5। ये सब बात पहले से पता होनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए। अब 8 से डिवाइड कर देंगे और जो नंबर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है। तो 8 वन जै 8 बच गया 19, 8 टू जै 16 बच गया रिमाइंडर 3। 8 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 3 बच जाए तो हम लोग पीछे लगा देते हैं 375। तो 12.375 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1237.5 रुपीज़। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।